वही असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने गुरुवार को कहा कि राज्य में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में है और उन्होंने आगामी दिनों में क्षेत्र में मौसम की स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री ने गंभीर रूप से प्रभावित नदी द्वीप जिले के माजुली में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सब कुछ मौसम पर निर्भर है। अगर अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण तिब्बत में आगे बारिश नहीं होती है तो स्थिति में सुधार होगा, लेकिन अगर अधिक बारिश हुई तो स्थिति और खराब हो सकती है। इसके आगे उन्होंने कहा कि स्थिति अब संभालने योग्य है, लेकिन अगर से बारिश शुरू हो जाती है तो ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों का पानी प्रभावित गांवों में फिर से प्रवेश करेगा, क्योंकि टूटे हुए तटबंध अभी खुले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मौसम में सुधार होगा और अरुणाचल प्रदेश तथा ऊपरी असम में बारिश नहीं होने से स्थिति बेहतर होगी। अभी असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सकता है सबको मदद करें। मतलब इसमें बिजली विभाग का क्या है, क्योंकि 6 दिन से डिब्रूगढ़ में बिजली कट थी। ये तो बिजली कटवा के रखा गया है जी, लोगों का जान माल का नहीं, जो सर्विस मिलनी चाहिए जैसे रिस्टोर के लिए वो नहीं मिल रही थी। वो ऐसा बात नहीं है, आप बोले तो 2 मिनट में रिस्टोर हो जाएगा, वो तो स्विच से हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि रेस्टोर होने का बाद पानी है, पानी और विद्युत एक साथ नहीं जा सकता है, तो इसीलिए वो लोग काट के रखा है। सर इसमें कोई रेस्टोरेशन तो एक स्विच में हो जाता है, उसका मैन पावर की कमी भी है। मैन पावर क्या क्या जरूरत है इसमें, वो सब बात नहीं है। अभी भी हम लोग यही सरसा किया, लोग अगर बोलते हैं कि भाई विद्युत लाइए, जान जाने से भी हमारा कोई इश्यू नहीं है, तब तो अब 1 मिनट में इसको लगा सकता है।